2020 2020 में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो हम वैसे तो इस क्लास में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको भी आ जाए, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनका भी हो जाए। अच्छा, तो इन्होंने सबसे पहली बात ये कही है कि लर्निंग रिएक्ट इज टफ, रिएक्ट को सीखना जो है ना मुश्किल है। ठीक है, ये आर्टिकल आप सब लोगों ने अपनी अपनी स्क्रीन पे भी ओपन कर लिया होगा आई होप। अच्छा, इट सीम्स देयर इज अ लॉट टू लर्न एट वंस, कह रहे हैं कि एक साथ ना ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपको सीखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अच्छा, यू माइट इवन थिंक दैट लर्निंग रिएक्ट मीन्स दैट यू हैव टू ऑल्सो लर्न रिडक्स, वेब पैक, रिएक्ट राउटर, CSS इन JavaScript एंड पाइल ऑफ अदर स्टफ। कह रहे हैं कि आपको लगेगा कि यार ये तो इतना सारा कुछ एक साथ सीखना है। दिस आर्टिकल इज डिजाइंड फॉर टोटल बिगनर्स टू रिएक्ट, बिल्कुल ये एज्यूम कर रहा है कि आप बिगनर हैं, आपको रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं आती। एज वेल एज फोक्स हु हैव ट्राइड टू लर्न इन द पास्ट एंड हैव हैड अ टफ टाइम, कह रहे हैं उन लोगों के लिए भी है जो पहले एक बार ट्राई कर चुके हैं उनसे हो ना पाया, तो ये इसकी गारंटी है उससे भी हो जाएगा। आई थिंक आई कैन हेल्प यू फिगर दिस आउट, हेयर व्हाट वी विल कवर। नंबर वन, व्हाट इज रिएक्ट एंड व्हाई इट्स वर्थ लर्निंग, कि रिएक्ट असल में है क्या और क्यों इसको सीखे हम, हमारा क्या फायदा है इसको सीखने में ना। अच्छा यार, वो AC का फ्लैप ना सीधा कर दो, और आई थिंक शायद आज पॉपुलेशन ज्यादा है तो मुझे फैन चलाना पड़े। AC का फ्लैप ना बिल्कुल सीधा कर दो, यहाँ ऊपर करना पड़ेगा, और ये वाला ऊपर हुआ हुआ है इसको बिल्कुल सीधा कर दो, ऐसे कर दो, हाँ बस सही है। बेहतर है कुछ, असल में फैन ना शोर बहुत करते हैं इसलिए मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन आई थिंक आज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें फ़ैन की ज़रूरत है। अच्छा, वो मेरा वाला भी चला देता हूँ। अच्छा, हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज, ये तो नंबर एक बात हो गई कि रिएक्ट है क्या और इसको क्यों सीखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस तरफ मुतवज्जा हो जाएं, आपस में बातें ना करें प्लीज़। हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज विथ कंपोनेंट एंड JSX, के पेज के ऊपर कोई चीज़ कैसे डिस्प्ले करवाई जाए। एक तो HTML के जरिए हम करवाते थे, इनर HTML में जाके हम कुछ भी रखते थे वो पेज में डिस्प्ले हो जाता था, लेकिन कंपोनेंट्स के जरिए और JSX के जरिए, ये दोनों रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ें, रिएक्ट के अलावा आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। पासिंग डेटा इनटू कंपोनेंट्स, अब ये आगे काफ़ी डिटेल बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये डिटेल हमें समझ में ही नहीं आएगी क्योंकि हमने तो रिएक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। क्विक वार्निंग दो, दिस ट्यूटोरियल इज कम्प्लीट, कह रहे हैं कि ये आर्टिकल जो है ना कंप्लीट है, एंड बाय दैट आई मीन लॉन्ग, कह रहे हैं कि कंप्लीट है तो लंबा है, लंबा चौड़ा आर्टिकल है। आई टर्न दिस इनटू अ फुल फ्लेज 5-day कोर्स, कह रहे हैं कि आपने ना एक दिन में इसको नहीं पढ़ने की कोशिश करनी है, ये 5 दिन में आप इसको पढ़ेंगे। एंड आई हैव मेड नाइस लुकिंग PDF यू कैन रीड ऑन योर iPad, कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना ईमेल लिखो, आपको PDF दे दूंगा मैं, ईमेल पे भेज दूंगा आपके, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं जस्ट इन केस। I want to clarify what I mean when I talk about learning React, just vanilla React, all by itself. What's that we are going to cover here? ठीक है, कह रहे हैं कि मैं आपको clarify करना चाहता हूँ कि what I mean when I talk learning about React. तो ये just vanilla React हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। वनीला React का मतलब क्या है? React के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें on the top of React चल रही हैं, जैसे कि Next.js. Next.js is something on top of React, ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ये प्योर रिएक्ट है जो वनीला रिएक्ट जिसको कहते हैं। वेट, इज दैट इवन यूजफुल? एब्सोल्युटली इट इज, कह रहे हैं कि क्या प्लेन रिएक्ट को सीखना यूजफुल है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि जितने भी दूसरे फ्रेमवर्क्स रिएक्ट के ऊपर चल रहे हैं, आपको रिएक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आपको सीखना कोई मसला नहीं है, ईजिली आप सीख लेंगे। यू कैन बिल्ड क्वाइट अ बिट विद प्लेन ओल्ड रिएक्ट एंड टूल्स इट गिव्स यू, कह रहे हैं कि जो रिएक्ट ओरिजिनल रिएक्ट है ना, जो प्लेन रिएक्ट है, उसमें आप बहुत कुछ बना सकते हैं, आपको वो जो टूल्स देती है वो टूल्स बहुत यूजफुल हैं, और उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए दूसरे फ्रेमवर्क बने हुए जो ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट काम कर रहे होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट JS, Gatsby, Gatsby या Gatsby जो भी बोले उसको आप, और भी हैं 2-4 इसी तरह के। JSX props, state and passing some data around.
अच्छा कह रहा है कि ये स्लैक का ना क्लोन बनाया है हमने, ये स्क्रीन पे जो एनिमेशन चल रही है ये स्लैक इन्होंने बनाया है। इस आर्टिकल के आखिर में कह रहा है स्लैक आप ऐसा बना लोगे खुद से। अच्छा बट वॉन्ट आई इवेंचुअली बी नीड रिडक्स एंड स्टफ फॉर रियल एप्स, फेक डेटा इज नॉट गोना कट इट। कह रहा है कि इवेंचुअली आपको क्या चाहिए होगा, रिडक्स और दूसरी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि फेक डेटा कब तक इस्तेमाल करेंगे आप, आपको रियल डेटा चाहिए होगा, एपीआई से कॉल करके रियल डेटा मंगवाना पड़ेगा आपको। तो खैर वो हम थोड़ा सा इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम कहीं और से पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना लेंगे इस आर्टिकल के ख़त्म होने तक। ठीक है, हम टोटली इस आर्टिकल पे भी रिलाई नहीं कर रहे हैं, इस आर्टिकल के बीच में अपना भी कॉन्टेंट मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, तो जिससे ये असल में एक तो थोड़ा पुराना भी है तो हम नया वाला कोड पढ़ेंगे, ये पुराने वाला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको ये सारे मसले नहीं आएंगे। अच्छा, रिडक्स जो है वो थोड़ा पुराना हो चुका है, थोड़ा नहीं बहुत पुराना हो चुका है, अब आ चुकी है उसकी जगह कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सही है, तो हम रिडक्स नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे, जो कि यूज़ करने के एतबार से आसान भी है और ये बिल्ट इन है, रिएक्ट का अपना है। रिडक्स जो है वो थर्ड पार्टी टूल है। ठीक है, स्टिल कुछ लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि नहीं यार, रिएक्ट में जो चीज़ें हो जाती हैं वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में नहीं होती हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पता नहीं है, अभी उन्होंने यूज़ नहीं किया। जो यूज़ कर चुके हैं उसको ये बात पता है कि जो सारा कुछ रिडक्स में हो रहा होता है वही सारा काम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी हो रहा होता है। ठीक है, और इवन ये कि जिस बंदे ने रिडक्स जिस बंदे ने लिखी थी ना, उसी को ही फेसबुक ने हायर किया और उसी से ये लिखवाया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, तो ये वही चीज़ है असल में, और वो भी बंदा इतना चालाक था, उसने फौरन ना जैसे ही देखा ना कि हाइप बन गई है रिडक्स की, उसने फौरन बेच बाज के जान छुड़ा ली, फौरन उसको बेच दिया, बेच के सेट हो गया बिल्कुल। जब फेसबुक ने देखा अच्छा ये बिल्कुल फारिग है, अभी फेसबुक ने बोला यार हमारे पास आ गए, हमारे पास आके वही चीज़ बना दो जो वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, वो मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत ज़माने पहले इसी पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, तो उसमें मैंने ये पूरी डिटेल और एविडेंस के साथ इसको जिक्र किया है कि कौन सी रिपोजिटरी में वो, बल्कि मैं वो आर्टिकल भी आपको दिखाना चाहूँगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये है वो आर्टिकल, हाँ ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है लेकिन बस सही है। इसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, हाँ ये देख रहे हो, वाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम क्यों सीखे रिडक्स को छोड़ के, तो इसमें मैंने ये एविडेंस के साथ जिक्र किया है कि जो है ना ये बंदा 2016 से कौन सी रिपोजिटरी पे काम कर रहा था, उसके बाद कौन सी पे चला गया। तो ये वही एक ही बंदा है, इसका क्या नाम है, ये डैन एबनफ, ये दो बंदे हैं और ये दोनों फेसबुक में हैं इस वक्त। इन दोनों की शक्लें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, देखा होगा पहले भी आपने इसकी शक्ल शायद, और एक ये भैया काउ बॉय, तो ये दोनों लगे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो कौन सी रिपोजिटरी में काम कर रहा है, ये फेसबुक / रिएक्ट इसी पे ही कर रहा है। आप गूगल करेंगे ना कि रिडक्स किसने लिखी थी, तो इन दोनों का नाम आता है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं ये क्या कर रहा है, ये आप देखें रिएक्ट जेएस फेसबुक / रिएक्ट। ठीक है, तो ये रिडक्स, जिन दो लड़कों ने रिडक्स लिखी थी ना उसको फेसबुक ने हायर कर लिया, ये उन्हीं के पास है अभी। तो जब बंदे इनके पास है तो फिर ख़त्म हो गई ना बात सारी। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये तो हो गई कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात। अच्छा, आई हेयर यू, आई एम नॉट गोना लाई, यू विल प्रॉबली वॉन्ट टू लर्न ऑल दैट स्टफ इवेंचुअली, बट दैट्स इवेंचुअली। कह रहे हैं कि इवेंचुअली आपको ये चीज़ें छोटी मोटी टूल्स हैं रिएक्ट के साथ जो आपको सीखना पड़ता है, लेकिन ये तो इवेंचुअली है ना, तो पहले बेसिक तो सीखें, बेसिक के बाद तो फिर आगे चलता ही रहेगा, वो तो खैर हो गई उसकी। डोंट वरी अबाउट बिल्डिंग योर मास्टर पीस राइट नाउ, कह रहे हैं आपको कोई बहुत बड़ा ना तोप बनाने की जरूरत नहीं है, हेलो वर्ल्ड बनाए छोटे छोटे। ठीक है, अगर बहुत बड़ा मास्टरपीस आप छोड़ दो अभी, आप छोटे छोटे बनाओ जो बन रहा है आसानी से। जस्ट वरी अबाउट गेटिंग समथिंग पेंट ऑन द कैनवस। कैनवस पता है किसको कहते हैं, वो जो पेंटर होता है ना उसके पास जो कागज़ होता है इतना बड़ा जिस पे वो ऐसे, उसको कैनवस कहते हैं पेंटर। तो कह रहे हैं कि आप ना क्या करें कि जस्ट कुछ कैनवस पे ना आप ब्रश ब्रश मारना शुरू करें, कुछ कलर आए उसके ऊपर, तो इससे शुरू करेंगे। इवन जिसको फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं,
सही है, जिसको हम फ्रॉम स्क्रैच जो है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो फ्रॉम स्क्रैच हमने शुरू करना है कि जैसे कोई गाड़ी होती है ना, तो वो गाड़ी पूरी जब तैयार होती है तो पहला स्क्रैच जो लगता है उस गाड़ी को तैयार करने के लिए, जाहिर है कोई लोहा, बड़ा सा लोहा होता होगा कोई, तो उसके ऊपर एक स्क्रैच मारते होंगे, फिर उसको चादर में कन्वर्ट करते होंगे, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर वो मोल्ड होता है, फिर वो कट होता है, फिर वो वेल्ड होता है, वेल्ड होकर फिर पेंट होता है, तो फिर बड़ा लंबा एक प्रोसेस। तो पहला स्क्रैच जो होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉम स्क्रैच, जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो पहला स्क्रैच होता है। जैसे अगर हमें इसको रेनोवेट करना है, इस पूरे हॉल को जहाँ हम बैठे हैं अभी, तो इसको रेनोवेट करने के लिए जाहिर है पहला स्क्रैच जो लगेगा ना, इसको दीवारों में से पेंट जो लगा हुआ है उसको उखाड़ने के लिए, तो पहला एक स्क्रैच होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो वहाँ से स्टार्ट करना है। इवन जस्ट टू कलर्स यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग, कह रहा है दो कलर होंगे सिर्फ आपके पास ब्रश में, और दो कलर आप ऐसे मार रहे हो तो कुछ बना रहे हो आप, कुछ बन रहा है आपसे। अच्छा, थिंक बैक टू लर्निंग टू राइड अ बाइक एज अ किड, कह रहे हैं कि वो टाइम आप याद करें जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी बचपन में। हैं, साइकिल चलानी आती है तुम्हें? कितने टाइम हो गए सीखे हुए? 2-3 साल पहले सीखी थी। अच्छा, याद है वो टाइम साइकिल वाला? कह रहे डिड यू बाइक अलॉन्ग अ बिजी हाईवे इन टू द टायर फर्स्ट डे, कह रहे कि पहले दिन जब आप बाइक लेके निकले, साइकिल लेके निकले घर से बाहर, तो क्या आप हाईवे पे चले गए थे डायरेक्ट? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। डिड एनीवन हैंड यू सम ब्लोइंग पिंस टू से हेयर टू लर्न द जिगल एट द सेम टाइम? पिंस उसको कहते हैं, वो जो होता है ना बॉलिंग का, जो वो आगे बॉलिंग का जो बॉल फेंकते हैं तो आगे वो 9 पीस पड़े हुए होते हैं, उसको पिंस कहते हैं, ठीक है, बॉलिंग पिंस। तो कह रहे हैं किसी ने आपको बॉलिंग पिंस दे दी थी क्या, कि साइकिल भी चलाते जाओ और साथ साथ इसको भी ऐसे उड़ा उड़ा के सर्कस की तरह करते रहो जैसे सर्कस में करते हैं, ऐसा हुआ था क्या पहले दिन? ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, आपको जस्ट साइकिल चलाने पर फोकस करना था, शायद आपने गली में या किसी पार्क में सीखा होगा। तो कह रहे हैं कि आपको रिएक्ट को लेके भी ना डायरेक्ट हाईवे पर जाने की जरूरत नहीं है, गली में चलाएंगे हम अभी। नो, यू जस्ट फोकस ऑन द ऑन नॉट फेलिंग ओवर, कह रहे हैं कि आपने जस्ट ये फोकस किया था कि मैं गिर ना जाऊं कहीं साइकिल से। एंड यू प्रोबेबली हैड ट्रेनिंग व्हील्स, ट्रेनिंग व्हील्स होती है ना पीछे वाले पहिए में, दो अलग से छोटे पहिए लगे हुए होते हैं, तो कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आपने वो भी इस्तेमाल किया होगा ताकि वो गिरने नहीं देता आपको, फिर बाद में वो ट्रेनिंग व्हील की जरूरत नहीं रहती थोड़े दिनों में। अच्छा, टाइनी विंस प्रोपेल यू फॉरवर्ड, कह रहा छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं जिंदगी में। तो क्या होता है, इफ़ यू कैन गेट टू द फन स्टफ क्विकली इवन जस्ट अ टाइनी अमाउंट ऑफ फन, इट इज़ अ लॉट ईजियर टू कीप गोइंग, कह रहा कि अगर जल्दी से कोई फन स्टफ हो जाए ना आपके, ठीक है, अगर जल्दी से कोई ऐसा काम कर सके आपके मजा आना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर कि हम हेलो वर्ल्ड ऐसा बना लें, छोटा सा, छोटी सी जेट की वेबसाइट जो इंटरनेट पे लाइव हो जाए और जो छोटा सा कुछ काम करती हो, जैसे कि वेदर एप्लीकेशन, सिटी का नाम लिखो वेदर आदमी और छोटी सी एप्लीकेशन, ठीक। तो कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें पहले बनाएंगे तो छोटी छोटी खुशियाँ आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। वी आर गोइंग टू गेट यू सम टाइनी विंस, कह रहे हैं हम आपको छोटी छोटी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में, विथ फ्यू लिटिल प्रोजेक्ट्स and get you through the basic React. अच्छा, what is React? अभी एक सवाल है, what is React? React is a UI library. What is library? पुराने स्टूडेंट ना बोले, नए वाले बोले सर। लाइब्रेरी जब वर्ड जहन में जब बोला जाता है तो आपके क्या जहन में आती है बात? कलेक्शन ऑफ डेटा। और अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, आपका ओपिनियन है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके दरमियान कोई जीनियस बैठा हुआ है, कोई स्मार्ट बंदा बैठा हुआ है, तो उसकी उसकी काबिलियत निकल के सामने आए, हम उसको रिकग्नाइज कर सकें इस क्लास में और अप्रिशिएट कर सकें उसकी काबिलियत को, तो इसका ये मकसद है। अच्छा, इसमें कोई सही गलत नहीं है, अगर आपको पता होता तो आप आते क्यों, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिखाने बैठा हूँ तो मैं ही सिखाऊंगा। हो सकता है आप में कोई इतना काबिल बंदा बैठा हो जो जिससे मैं सीखूं, ठीक है, तो मैं भी सीखूंगा आपसे बहुत कुछ। हाँ, तो लाइब्रेरी जब वर्ड सुनते हैं आप, तो क्या आपके जहन में बात आती है, लाइब्रेरी क्या है, व्हाट इज लाइब्रेरी?
जी दोस्त, बंच ऑफ नॉलेज। और जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, और आप में से कोई बताना चाहे? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे किताबों की लाइब्रेरी होती है, तो बहुत सारी किताबों को एक जगह कर दें तो लाइब्रेरी। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी की जब बात आती है तो उसका मतलब होता है कि बहुत सारे फंक्शंस को एक जगह जमा कर दिया जाए, तो वो फंक्शंस की लाइब्रेरी हो जाती है। ठीक है, तो ये असल में वो फंक्शन वाली लाइब्रेरी की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है ना, प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। जैसे एक लाइब्रेरी आपने पढ़ी होगी एक्सियोस, एक्सियोस पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, इंटरनेट पे अभी तक API कॉल नहीं किया आप लोगों ने। अच्छा, तो कोई बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा आपने, दैट इज़ ऑल्सो अ लाइब्रेरी। ठीक है, बूटस्ट्रैप में बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है, लाइब्रेरी है सारी क्लासेस। आप क्या करते हैं, आप जस्ट उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रिएक्ट इज़ अ UI लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं पहले से, उसके ज़रिए UI बनाते हैं। UI को तैयार करने की लाइब्रेरी है, क्रिएटेड बाई Facebook। अच्छा, हम UI तो HTML, CSS और JavaScript से भी तैयार कर लेते हैं, तो हमें UI बनाने के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों है? क्या लगता है, लाइब्रेरी ऐसा क्या करेगी कि जो हम बगैर लाइब्रेरी के नहीं कर सकते? बिल्कुल सही जवाब दिया कि काम फास्ट हो जाएगा, टाइम बचेगा। जैसे एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, आप क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन बना देते हैं। एवरेज निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है समटाइम। ठीक है, एवरेज निकालने के 15 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के डेटा क्या है, तो वो खैर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तरीका। तो आप क्या करते हैं, उसका एक ही दफ़ा फंक्शन बना देते हैं, और जब भी आपको एवरेज निकालना होता है आप डेटा देते हैं उस फंक्शन को, वो फंक्शन आपको एवरेज निकाल के देते हैं। ठीक है, math.js की लाइब्रेरी होपफुली आपने पढ़ी होगी। math.js नहीं पढ़ा? अच्छा, वो एक तो मैथ जावास्क्रिप्ट की अपनी मैथ है, एक मैथ की अलग से लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह इस तरह की चीज़ें, मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना, वो सारा उसके अंदर उन्होंने पहले से फंक्शन बना के रखे हैं, तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह UI की लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि पूरी UI बनी हुई पहले से पड़ी हुई है उसमें। ठीक है, UI उसके अंदर पहले से बनी हुई पड़ी हुई है, और UI के अंदर जो जो आपको ऑपरेशंस करने होते हैं उसमें आपको वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ताकि वो आपका काम जल्दी हो, आपका बॉयलर प्लेट कम से कम हो, और जल्दी से आप ना एक एंड यूज़र के लिए ना एक प्रैक्टिकल ऐप तैयार कर लें जल्दी से। HTML CSS में अगर आप ये काम करने बैठेंगे तो उसमें लगता है बहुत टाइम, एक एक चीज़ को वैलिडेट करना, चेक करना, एक एक कॉर्नर पे इफ एल्स लगाना बड़ा मसला है। तो Facebook ने ये लाइब्रेरी ना अपने लिए बनाई थी। फेसबुक में जो फ्रंट एंड बना हुआ है ना, वो इसी पे ही मोस्ट प्रॉब्ली बना हुआ है। अब तो पता नहीं, शायद कोई और अपने लिए बना लिया उन्होंने, ये पब्लिक उन्होंने कर दिया है क्योंकि। तो फेसबुक ने ये अपने लिए तैयार की थी लाइब्रेरी, कि फेसबुक का UI बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, उसके लिए बनाने के लिए। बाद में 2016 में इन्होंने इसको पब्लिक कर दिया, या शायद 2015 में, मे बी 2013 में किया। इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन क्या है। इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन सिर्फ नए स्टूडेंट बोलेंगे, इंटरैक्ट करे नहीं तो इंटरैक्ट क्या मतलब है, इंटरैक्ट क्या होता है? दोस्त कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आपसे कोई बात करे, कोई जवाब दे, कोई हम एक्शन करें तो उसको रिस्पॉन्ड करे, ये है दोस्त ने कहा। और कोई बोलना चाहेगा? यार ये पीछे क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, मुतासिर करने को इंटरेक्टिव कहते हैं। अच्छा, और कोई बताना चाहे आप में से? अच्छा, गूगल भी कर सकते हैं आप, जल्दी से गूगल करें इंटरेक्टिव क्या होता है, देखें ज़रा, वट डज इट मीन बाई इंटरेक्टिव।
ज़रा इन्होंने कहा यार वो अपनी होमियोग्लोबिन कम हो गया था, तो वो पता नहीं क्या, तो ज़रा आपने पूछा इनसे डिटेल में, आपको पता चला इनका मसला चल रहा है कि या तो इन्होंने ब्लड लेके चढ़वा दिया है, फिर इन्होंने ब्लड बैंक वालों का डोनर देना है, क्या सीन है, या डायरेक्ट डोनर पहले डोनर देंगे फिर ब्लड आएगा तो उससे बेहतर है ना आपसे लेना डायरेक्ट जो ब्लड चाहिए। समझाया नहीं क्या सीन किया, असल में इनसे मेरी डिटेल में बात नहीं थी ना, मैं क्लास में होगी अगर अभी क्लास में थोड़ा सा ब्रेक हुआ रहेगा आप थोड़ा सा हाँ तो भाइयों इंटरेक्टिव क्या मतलब पता चला, मिलकर काम करना। अच्छा देखो नाम पे गौर करोगे ना, वर्ड पे अगर गौर करोगे तो इंटरेक्टिव वर्ड कैसे निकला है, इंटरेक्शन से निकला है, ठीक है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या होता है, बात करना। जैसे मैं आपसे इस वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आपसे कुछ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, कुछ सामने से भी आप समटाइम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपस में बात करना, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पे आप किसी भी इदारे में जाते हैं, वहाँ के रिसेप्शन पे जाके आप उससे पूछते हैं कि यार फला जगह मुझे जाना है बता दो कैसे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन, किसी से भी आप मुखातिब होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। तो इंटरेक्टिव जो है ये इंटरेक्शन से निकला है वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का पता होना आपको, क्योंकि वरना फिर आपको पता नहीं होगा ना हम कर क्या है, ये इसलिए पता होना ज़रूरी है। तो इंटरेक्शन से ये वर्ड निकला है। तो ऐसी इंटरेक्टिव वेब का क्या मतलब है, ऐसी वेबसाइट जो आपसे बात करे। अब बात कैसे करेगी वेबसाइट यार, असल में ये इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा कि वेब 1.0 में क्या होता था। वेब 1.0 में एक पंफलेट होता था, पंफलेट पहले छपते थे, तो उन्होंने बोला यार इसी पंफलेट का ना मुझे सॉफ्टवेयर वर्जन चाहिए, तो वेब 1.0 था वो। पंफलेट के अंदर कोई आप कुछ कर नहीं सकते, जो है वही दिखेगा आपको। तो वेब 1.0 जो थी सबसे पहली वेबसाइट जो बनी थी, सबसे फर्स्ट जनरेशन, उसमें आपको जो दिखता था ना स्क्रीन, जो है बस आप वो देख सकते थे, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। फिर आई वेब 2.0। वेब 2.0 जो थी वो इंटरेक्टिव थी। इंटरेक्टिव का मतलब ये कि ना सिर्फ आप देख सकते हैं उसमें, बल्कि आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। आपका आपको हो गया ना इंटरेक्शन उससे, आप लाइक भी कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं, आप लॉग इन और साइन अप भी कर सकते हैं, जाके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई अपना डेटा डाल के उसकी कैलकुलेशन आपको रिटर्न में वो देगा, वीडियो फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। आप सोच रहे होंगे कि यार अगर ये इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए तो वेबसाइट बचेगा क्या, सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ ही बचेंगे फिर, जब यूज़र मैं कोई अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कोई चीज़ किसी जगह पर, लाइक कॉमेंट साइन अप लॉग इन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब इंटरेक्शन है ना, क्योंकि तो फिर वेबसाइट बचेगा क्या। तो 1.0 बचेगा फिर, 2.0 में ये। अच्छा आप 3.0 आने वाली है, लेकिन वो आएगी तो पता चलेगा, अभी तो आई नहीं है, ठीक है। मैं कुछ लोगों का ख्याल है मेटावर्स होगी, कुछ लोगों का ख्याल है ब्लॉकचेन होगी, मेरा ख्याल है वॉइस एप्लीकेशन होगी और मेटावर्स का कॉम्बिनेशन होगा। वेल इस पर मैं एक ऑलरेडी मेरी एक स्पीच है, वो अगर आप किसी को इंटरेस्ट हो तो जाके देख सकता है यूट्यूब पर पड़ी हुई। तो ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए ना स्पेशली बनाई गई है ये UI की फ्रेमवर्क, जो रिएक्ट है ना वो स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस के लिए। और ये आपको इंटरेक्शन में फैसिलिटेट करता है, जब आप कुछ फॉर्म फिल करते हैं, कुछ सबमिट करते हैं, कुछ अपलोड डाउनलोड वगैरह करते हैं, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जब आप जाते हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना भी तो इंटरेक्शन है ना, कि होम पे क्लिक किया तो होम पे आ गया, किसी और पे क्लिक किया तो किसी और पे। वेब 1.0 में ये नहीं था, क्लिक होता ही नहीं था उसमें, वो फिक्स था जो था सामने था बस। अच्छा मेड अप ऑफ कंपोनेंट, अब ये कह रहा है इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसी इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन जो कंपोनेंट्स से मिलके बनी हुई हो। अब कंपोनेंट किस चीज को कहते हैं, कौन बताएगा ये, व्हाट डज इट मीन बाय कंपोनेंट। दो चीजों को ज्वाइंट करने से कंपोनेंट बन जाता है। अच्छा गूगल भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा कोई भी आपने से बताना चाहे कंपोनेंट क्या होता है,
हिस्सा अज्जा, अच्छा अच्छा किसी मशीन का पार्ट, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। बिल्कुल यार सही बता रहे हैं गुड यार। नहीं तो कंपोनेंट इसमें क्या है, डिफरेंट चीज़ों को जोड़ना कंपोनेंट है या जो जुड़ने के बाद जो चीज़ बनेगी वो कंपोनेंट है? अच्छा जो जुड़ रही है डिफरेंट चीज़ों जो जोड़ रहे हैं तो असल में डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के एक बड़ी मशीन तैयार होगी। हाँ दुनिया का सामान, अच्छा जुड़ने वाली चीज़ है, तो आप भी इनसे एग्री कर रहे हैं मतलब कि ये जो कह रहे हैं सही बात है, अज्जा जो है। अच्छा तो एक वर्ड मैं सुनना चाह रहा हूँ जो किसी ने बोला नहीं है, अगर किसी को कोई कह दे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। पार्ट्स भी सही है, फुली फंक्शनल पार्ट ये इन्होंने बोल दिया। खैर आप तो मेरा लेक्चर ले चुके हैं पहले। फुली फंक्शनल पार्ट जो होते हैं ना दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। जैसे एसी रखा हुआ है पीछे, इस एसी के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फैन इसका कंपोनेंट है बिल्कुल, क्योंकि फैन, अच्छा देखो पहचान क्या होती है, किसी भी बड़ी मशीन का एक छोटा पार्ट जो अपने आप में कंप्लीट मशीन है, फुली फंक्शनल है, वो पार्ट दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो एसी के अंदर, अच्छा कंपोनेंट की पहचान क्या है, कंपोनेंट रिप्लेसेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, अच्छा, और वो कंपोनेंट जो है अगर वो जिस बड़ी मशीन का पार्ट है ना अगर उससे अलग भी हो जाए तो वो स्टिल कुछ ना कुछ फुली फंक्शनल होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम अपने आप में कंप्लीट मशीन होते हैं। तो ये दो पहचान है कंपोनेंट की ना, जैसे फैन एसी के अंदर जो लगा हुआ है अगर एसी से बाहर निकाल दूँ मैं उस फैन को तो फैन वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसमें दो तार है उसको करंट दूंगा चलेगा, जितना करंट उसको चाहिए, ज़्यादा दूंगा तो ख़राब भी हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर 12 वोल्ट वाला फ़ैन होगा, तो अगर फ़ैन इससे बाहर भी निकाल दूँ ना मैं 12 वोल्ट दूंगा घूमेगा वो, फ़ैन का काम है हवा देना, हवा देगा। आप उसको अपने मुँह के आगे ऐसे लगा लें गाड़ी में, गाड़ी में लोगों ने लगाए हुए होते हैं फ़ैन, वो अपने आप मुँह के आगे लगा लें Z18 में चलता रहेगा वो। जैसे इसके अंदर एक कंप्रेशर होता है जो हवा को कंप्रेस करने का काम होता है उसका, तो वो कंप्रेशर अगर मैं एसी से बाहर निकाल दूं तो वो चलेगा? नहीं, उसका काम है हवा को कंप्रेस करना ना, करेगा वो? अच्छा तुम लोगों ने कभी देखा है कि साइकिल की दुकान पे फ्रिज वाला कंप्रेशर रखा हुआ है उसने हवा भरने के लिए, तो बस चलेगा मतलब बाहर निकल के, ठीक है। मैं जब छोटा सा था तो मेरे पास साइकिल थी, तो मैं जब हवा भरवाने जाता था मैं देखता था गोल सा क्या है। अच्छा कुछ लोगों के पास पंप होता था हाथ वाला, तो वो तो हमसे चलता नहीं था, छोटे छोटे थे, तो मैं फिर जाता था ये कंप्रेशर वाले के पास। उसके बाद छोटा सा एक था वो बटन ऑन करते थे जब 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 ऐसी आवाज़ आती थी और वो हवा भरती थी उससे, तो मैं उसको बड़े गौर से देखता था कि क्या एलियन जैसी चीज़ लगती है ना गोल सी कुछ। बाद में मुझे पता चला अच्छा ये तो फ्रिज में से निकालते हैं, क्योंकि मैं भी यही करता था, मेरा भी यही काम होता था कि गाड़ी अगर है ना वो एक उस वक्त गाड़ी आती थी छोटी सी, उसमें एक तार होता था और साथ में एक रिमोट होता था, एक बटन दबाओ तो पीछे होती थी दूसरे से आगे होती थी। तो अब ये क्यूरियोसिटी हो गई ना कि यार ये अब आगे पीछे हो रही है, वो वाली गाड़ी लेनी है, तो ख़रीद ली वो, कुछ पॉकेट मनी वगैरह इकट्ठी करके कुछ करके रोड हो गए वो ख़रीद ली। अब ख़रीदने के बाद गोल क्या है कि इसको अंदर इसके है क्या ऐसा जिससे ये बटन से हो रहा है, तो अंदर से उसके फिर वो मोटर को निकाल के, ठीक है कंपोनेंट है ना मोटर, उसको निकाल के और उसको बैटरी के साथ अलग से लगा के तारे वारे जोड़ के उसमें कागज़ का गत्ता लगा के ना ऊपर, और उसका फ़ैन बना है, फ़ैन बन रहा है और फ़ैन से हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है, और एक एटीट्यूड है कि ये फ़ैन हमने बनाया है। तो वो क्या था, वो मोटर असल में कंपोनेंट थी, वो बाहर निकलने के बाद भी एक कम्प्लीट फंक्शनल मशीन है वो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोजेक्टर है इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स कोई मौजूद है, इसका जो लेंस है वो इंटरचेंजेबल है, सही है, एक फुली फंक्शनल पार्ट है, इससे आप बाहर भी निकालते ना तो बस आँख से देखेंगे आप तो वो कुछ आपको दिखा रहा होगा, ठीक है, कुछ मतलब पता नहीं क्या दिखाएगा लेकिन कुछ तो करेगा। इसके अंदर एक बल्ब होता है बहुत तेज़ रोशनी वाला जिससे ये यहाँ आ रहा है ना, तो उस बल्ब को अगर बाहर भी आप निकाल के जलाएं तो कोई मसला नहीं है, वो जलेगा। तो इसके अंदर एक फ़ैन भी होता है उसको बल्ब को ठंडा करता रहता है, ठीक है। और
जैसे मोबाइल फ़ोन होते थे पुराने वाले, अभी तो नए वाले फ़ोन में बैटरी अलग से नहीं होती ना, अंदर ही फिक्स होती है। एक थोड़े अरसे पहले तक एक फ़ोन आते थे जिसमें अलग से बैटरी होती थी, पीछे ढक्कन खुलता था बैटरी बाहर, तो वो बैटरी क्या थी, फुली फंक्शनल पार्ट था वो बैटरी। आप उसको बाहर निकाल के उससे आप कुछ फ़ैन वैन भी चला लें, कुछ जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बैटरीज जो होती हैं आमतौर पर वो फुली फंक्शनल पार्ट होती है। तो ये कंपोनेंट आपको मैंने मिसाल देकर समझाया, कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट क्या है, ये मॉनिटर जो है क्या ये कंपोनेंट है, बिल्कुल कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ इस कंप्यूटर से मैं ये मॉनिटर अलग करके किसी और कंप्यूटर से अटैच कर सकता हूँ। माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट है, और ये सीपीयू भी एक कंपोनेंट है। तो ये चार कंपोनेंट मिलके कंप्लीट कंप्यूटर बनता है जो ऑपरेट करने के काबिल होता है। एक भी कंपोनेंट हटा दूँ कंप्यूटर तो नहीं चला सकते अब आप, लेकिन वो कंपोनेंट जो हटाया है वो इंटरचेंजेबल है। तो हमने दो पहचान देखी कंपोनेंट की, इंटरचेंजेबल होगा, नंबर दो बड़ी मशीन से अलग होकर भी वो कंप्लीट एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। अच्छा तो ये कह रहा है इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। रिएक्ट में क्या होता है, इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनती है जो किससे मिलके बनती है, कंपोनेंट से मिलके बनती है। अच्छा तो रिएक्ट के केस में जरा समझते हैं हम कि ये कंपोनेंट क्या वाला है। इमेजिन करें आप एक वेबसाइट है, लॉगिन का पेज होता है उसमें, एक साइनअप का पेज होता है। अच्छा तो रिएक्ट के अंदर जो एप्लीकेशन बनेगी उसमें जो लॉगिन का पेज होगा ना वो एक पूरा कंपोनेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी वेब एप्लीकेशन में जब तक मौजूद है, यानी एक बड़ी मशीन है ना एक वेब एप्लीकेशन, उसका छोटा पार्ट है लॉगिन का पेज। तो लॉगिन का पेज इज़ वन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, अगर उसको उस बड़ी एप्लीकेशन से अलग भी कर दिया जाए तो वो लॉगिन का पेज एज इट इज़ काम करता रहेगा। उसको एक एप्लीकेशन से निकाल के ना दूसरे में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये तो फिजिकल पार्ट नहीं है ना, तो ये तो कोडिंग है, कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है। जैसे अभी कंप्रेशर एक से निकाल दिया तो जाहिर है डबल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कोडिंग में बेनिफिट ये है कि एक कंपोनेंट आपने जो बनाया ना लॉगिन का एक बड़ी एप्लीकेशन में, वही सेम कोड आप कॉपी करके ना पेस्ट करेंगे दूसरे में तो वो चल जाएगा, इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। अच्छा इंटरचेंजेबल रीयूजेबल, तो आप क्या करेंगे, लॉगिन का पेज जिंदगी में एक दफ़ा बना लिया आपने अगर, तो आप उसको किसी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन में उस कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं, वो उसका पार्ट बन जाएगा। तो कंपोनेंट है लॉगिन का पेज, फुली फंक्शनल है चाहे वो बड़ी एप्लीकेशन से अलग भी हो। अच्छा तो इसी तरह रिएक्ट की एप्लीकेशन में जो कुछ भी होगा वो तमाम का तमाम क्या होगा, कंपोनेंट्स होंगे। जैसे फेसबुक की अगर मिसाल लें, फेसबुक का एक होम पेज है, उस होम पेज में जो एक पोस्ट आती है ना, एक पोस्ट, दैट इज़ वन कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोफाइल का एक पेज होता है वो, दैट पेज इज़ वन कंपोनेंट। जो प्रोफाइल पिक्चर और बैनर बना हुआ होता है दैट इज़ वन कंपोनेंट। जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेज एक एक कंपोनेंट्स हैं, सेटिंग का पेज भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो वो इंटरचेंजेबल है और रीयूजेबल है। इफ़ यू आर फेमिलियर विथ HTML यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग। कस्टम टैग क्या चीज़ होते हैं HTML के अंदर, कोई बता सकता है? HTML आप सब लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ अ कस्टम टैग इन HTML? अपने नाम का टैग, ये मैं समझा नहीं आपकी बात, अपने नाम का टैग कैसे मतलब? मतलब मैं ऐसे ब्रैकेट ओपन करके मैं डिव जो लिखता हूँ, डिव की जगह मैं अपना नाम लिख दूँ मलिक, क्लोजिंग में भी। अच्छा तो टैग यानी कि मैं अपने नाम का टैग बना रहा हूँ, सही है। तो ये पॉसिबल है क्या HTML के अंदर? HTML5 के अंदर पॉसिबल है, ठीक है, इससे पहले वाली में ये चीज़ अलाउ नहीं थी HTML5 में। अच्छा उसको ट्रीट कैसे करेगा, अगर मैंने मलिक के नाम से टैग बना दिया तो क्या उसको वो एज अ पैराग्राफ लेगा, क्या करेगा? एज अ डिव उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर मैं अपने नाम से कोई टैग बना देता हूँ जो HTML में मौजूद ही नहीं है, मलिक के नाम से HTML में कोई टैग नहीं है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, मैं मलिक के नाम से एक टैग बना देता हूँ ओपन क्लोज करके, तो उसको एज अ डिव वो ट्रीट करता है HTML, एंड दैट इज कॉल्ड कस्टम टैग्स। अब उस पर जो भी स्टाइलिंग, जैसे ये दोस्त कह रहे हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? अहमद। तो अहमद जो कह रहे हैं कि उस पर कोई भी स्टाइलिंग आप लगा दें वो बन जाता है, ठीक है, तो डिव की तरह बिल्कुल चल रहा होता है वो, तो दैट इज कॉल्ड कस्टम टैग। तो कंपोनेंट ना आप समझ लें कि कस्टम टैग है,
आपकी मर्जी के नाम का टैग होगा कोई भी, ऐसे करके चलेगा वो. दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर, रीयूजेबल बिट्स ऑफ कंटेंट एंड बिहेवियर दैट कैन पुट ऑन अ वेब पेज. कह रहे हैं कि क्या चीज़ है, रीयूजेबल बिट है, सही है, रीयूजेबल बिट है और उसको क्या किया जा सकता है, किसी भी वेब एप्लीकेशन में उसको पुट किया जा सकता है, कंपोनेंट ऐसी चीज है. अच्छा, कंपोनेंट के बारे में मजीद बात हो रही है कि अ कंपोनेंट इज रिटन एज प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन. जावास्क्रिप्ट फंक्शन आप सब लोग पढ़ चुके हैं, तो ये कह रहे हैं कि कंपोनेंट जो है ना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जावास्क्रिप्ट के प्लेन फंक्शन है. प्लेन जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, उसके साथ कोई फ्रेमवर्क, कोई लाइब्रेरी, कोई दूसरी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसको कहते हैं. या इसको एक वर्ड और यूज़ होता है, वनीला जावास्क्रिप्ट, कि वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, कोई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अलावा. एंड दिस इज रियल जावास्क्रिप्ट हियर, नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज. टेम्पलेट लैंग्वेज जो PHP वगैरह के बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे, EJS और JED के नाम से होता था, ठीक है, जो नहीं जानते वो इसको इग्नोर करें. तो कह रहे हैं कि वो टेम्पलेटिंग वगैरह नहीं हुई भी, असली जावास्क्रिप्ट है, हाथ से लिखी हुई जो होती है. रिएक्ट सपोर्ट स्पेशल सिंटेक्स कॉल्ड JSX. कह रहे हैं कि रिएक्ट के अंदर ना इसको, इस जावास्क्रिप्ट को लिखने का जो तरीका है ना वो कहलाता है JSX. एक तो सिर्फ JS है ना जावास्क्रिप्ट, कह रहे हैं कि इसका नाम है JSX, विच लुक्स अ लॉट लाइक HTML. कह रहे हैं कि ये ऐसी जावास्क्रिप्ट है, जब आप इसको लिखेंगे ना आपको लगेगा आप HTML लिख रहे हैं, लेकिन असल में क्या होगी, वो होगी जावास्क्रिप्ट. वो कैसे होगी वो पता चलेगा. बाय द वे, कोई मुझे ये बता सकता है कि HTML का कोड जब मैं लिखता हूँ तो वो रन कैसे होता है, ब्राउजर में जाने के बाद उसके साथ होता क्या है, कैसे वो स्क्रीन पे आ जाता है? HTML का कोड कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद क्या होगा, अच्छा HTML में कोई एरर आता है क्या, कभी HTML में एरर आता हुआ देखा है? तो कंपाइल होता तो एरर भी आता कंपाइलर का, वो तो नहीं आता. HTML को कैसे रन किया जाता है, स्क्रीन पे कैसे उसको दिखाया जाता है, HTML को प्रोसेस क्या है वो? अच्छा बिल्कुल सही इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो है जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, HTML को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कन्वर्जन क्या कहलाती है, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसके ज़रिए फिर वो जावास्क्रिप्ट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो जावास्क्रिप्ट को फिर एक्सेस होता है हार्डवेयर तक का, वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से बोल के स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है, ठीक है. तो असल में ब्राउज़र पे HTML डायरेक्ट कभी भी रन नहीं हो सकती है. HTML जो है, अच्छा CSS भी, HTML और CSS ये दोनों ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्टली रन नहीं हो सकती, इन दोनों चीज़ों को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये रन होती है. यही वजह है कि किसी एलिमेंट को जब आप गेट करते हैं ना, आप कहते हैं गेट एलिमेंट बाय ID और इनपुट नंबर 1, या गेट एलिमेंट बाय ID पैराग्राफ 1, कोई भी ऐसी बात, तो वो आपको ऑब्जेक्ट की सूरत में मिलती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट डॉट करके आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को गेट करते हैं. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, डॉम भी आप सब लोग पढ़ चुके हैं, डॉम के मेथड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम मैं HTML में लिखता हूँ, जो बातें, जो कोड HTML में लिखता हूँ मैं, वही सारा का सारा कोड अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से भी लिख सकता हूँ. ये सही बात हो गई. अच्छा, डॉम वाला जब टॉपिक आप सब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने ये टॉपिक कवर किया होगा कि ये कैसे होता है, कि डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी पूरा का पूरा पेज हम तैयार कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. अच्छा, तो रिएक्ट के अंदर ना असल में यही हो रहा होता है, रिएक्ट के अंदर ये बोलते हैं कि आप ना क्या करो, JSX में लिखो, आप HTML को भूल जाओ, HTML ख़त्म, टाटा बाय बाय. तो अब आप लिखो JSX में. अच्छा, JSX क्या है, वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट है, आसान, डॉम लिखने का आसान तरीका है ये. एक तो डॉम लिखते हैं ना, डॉम बड़ा मुश्किल होता है, मेथड होते हैं, डॉट नॉट, डॉट क्रिएट, नॉट, पता नहीं, अपेंड चाइल्ड, बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत लंबा हो जाता है कोड. ये उसी को करने का शॉर्टकट और आसान तरीका है जो लाइब्रेरी के जरिए हमें प्रोवाइड किया जा रहा है. मतलब लाइब्रेरी का मतलब क्या है, पीछे वही डॉम के फंक्शंस हैं,
लेकिन हमें उसने फंक्शन शॉर्ट करके बना के दे दिए, हमें कोड कम लिखना पड़ता है, पीछे सब वही चल रहा है। अच्छा तो कह रहा है कि JSX जो है ना वो लुक्स लाइक HTML बट इट इज टर्न इनटू रियल जावास्क्रिप्ट बाय अ कंपाइलर। JSX तो कंपाइल होती है, HTML कंपाइल नहीं होती थी, HTML तो जस्ट कन्वर्ट हो जाती थी, ये कंपाइल होती है। इसमें कंपाइलर का एरर भी आता है कि कंपाइलेशन में आपने ये टैग छोड़ दिया, ये ब्रैकेट मिस कर दी, एरर आता है। HTML में क्या होता है, कोई आप टैग मिस करेंगे वो शो ही नहीं करेगा, उसको स्क्रीन पर दिखाएगा ही। अ वेब पेज इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स लेड आउट इन नेस्टेड ट्री स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि कंपोनेंट जो पेज बनता है ना, एक वेब एप्लीकेशन में जो एक पेज बनाना होता है, रिएक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें वो पेज बनता कैसे है, वो कंपोनेंट्स के जरिए बनता है। 3-4-5 कंपोनेंट्स को मिला के एक पेज बनता है, और वो पेज खुद भी एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसने बोला कि यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि वो किस में, किस फॉर्म में खड़े हुए हैं, वो ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में खड़े हुए हैं। ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML भी हम ट्री स्ट्रक्चर में लिखते हैं, मतलब एक बॉडी होती है, उसके अंदर एक डिव है, फिर एक दो डिव है उसके अंदर, तो दोनों डिव के अंदर एक एक हेडिंग और एक एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो एक पेरेंट, उसके दो चाइल्ड, फिर उस चाइल्ड के चार चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड के दो चाइल्ड, तो ये ट्री की तरह बन जाता है। अगर आप इसको सीधा खड़ा करें तो एक तना, मोटा तना, उसके बाद वो दो शाख, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, फिर, तो दैट इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर, जो हम HTML जिसमें लिख रहे होते हैं। जिन्होंने ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री पढ़ाते हैं ना, ये उसी ट्री की बात हो रही है, ठीक है। बाकी लोग इसको लेमैन समझें कि ट्री का मतलब क्या है, कि एक तना है और ऐसे दो तीन हो रहा है, लेकिन जो जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, वो उस ट्री असल में उसी की बात हो रही है जो डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। जस्ट लाइक HTML एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, रिएक्ट कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कि क्योंकि ये ट्री स्ट्रक्चर पे है बिल्कुल HTML की तरह, तो जैसे HTML के अंदर एक डिव के अंदर आप दो तीन डिव और भी बना सकते हैं, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट बना सकते हैं, तो कंपोनेंट्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एंड नेटिव एलिमेंट्स लाइक डिव एंड बटन्स, बट दीज कंपोनेंट आर फंक्शंस, रिमेंबर, एंड दे कैन बी पास डेटा टू डिस्प्ले। कह रहे हैं कि जब आप HTML की तरह ही इसको लिख भी रहे हैं, HTML की तरह ही ये ट्री स्ट्रक्चर भी है, तो फिर फर्क क्या है, फर्क भी तो होना चाहिए ना कोई, ये तो दोनों एक ही लग रहा है बिल्कुल, कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा, उससे हमें क्या लेना है, हमें तो ये ना कि लिख क्या रहे हैं और डिस्प्ले क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि फ़र्क ये है मेरे भाई, कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये फंक्शंस हैं, क्योंकि शुरू में बता दिया था कि कंपोनेंट इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और ये फंक्शन है, तो इस वजह से इनको डेटा पास किया जा सकता है स्क्रीन पर डिस्प्ले करने। फंक्शन में आप डेटा पास करते हैं ना, पैरामीटर्स दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक फंक्शन बना हुआ, वो दो इनपुट लेता है, नम वन और नम टू, और दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्योंकि फंक्शन है, तो इनको डेटा दिया जाएगा, और ये क्या करेगा, डेटा लेके उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट। हर दफ़ा अलग डेटा देंगे, हर दफ़ा अलग प्रिंट करेगा। फेसबुक का जो कंपोनेंट है, पोस्ट का कंपोनेंट, आप स्क्रॉल करते हैं ना, एक एक पोस्ट आ रही होती है, दैट इज़ वन कंपोनेंट, एक पोस्ट एक कंपोनेंट है, वो एक ही कंपोनेंट बार बार आ रहा होता है, लेकिन अलग अलग डेटा के साथ। आप पहले मेरी पोस्ट आई, इंजाम मलिक शेयर किया, उसने भी चैट बॉट का कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसके बाद वही कंपोनेंट है, लेकिन अब की बार डेटा अलग है। अब की बार आया कि भाई सैलानी ने फला फला ग्राफिक का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसमें कुछ टेक्स्ट है, कुछ फोटो है, फिर उसके आप नीचे गए, उसके नीचे आपको आया भाई सैलानी नेवी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, ठीक है, उसकी एक फ़ोटो लगी हुई है, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक ही है कंपोनेंट, वो वही बार बार अलग अलग डेटा के साथ स्क्रीन पर आता चला जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट। वन बिग डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिएक्ट इज द आइडिया ऑफ वन वे डेटा फ्लो। कह रहे हैं कि रिएक्ट का एक और जो ना डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है, कि वो फीचर जिससे उसको जाना जाता है, जैसे गाड़ी, गाड़ी का डिफाइनिंग फीचर क्या है, चलती है, ठीक है, मतलब कम्यूट का मीडियम है, आप एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड गाड़ी, दैट इज़ कॉल्ड के कोई आप वो गाड़ी पे, कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गाड़ी की एक
डिफाइनिंग फीचर उसका ये है कि वो ट्रैवल करवाना जानती हो, ट्रैवल करवा सकती हो, तो फिर वो गाड़ी होगी। अगर वो ट्रैवल नहीं करवा सकती, दैट इज़ नॉट अ गाड़ी। डिफाइनिंग फीचर है ये उसका, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका फ़ोन होता है, व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ फ़ोन, ठीक है, कि कॉल हो जाती है उससे, ये एक फ़ोन है। अब आजकल के ज़माने में कैमरा वैमरा भी डिफाइनिंग फीचर है कि भाई फ़ोन हो जो जिससे अच्छी फ़ोटो आ जाती हो, कैमरा हो जाता हो, उसमें इंटरनेट चलता हो, वाईफाई चल जाता हो, यही डिफाइनिंग फीचर था सारे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा, अगर मतलब बगैर कैमरे के फ़ोन इमेजिन कर सकते हो कि कोई फ़ोन है उसमें स्मार्टफोन की बात हो रही है, हम उसमें कैमरा नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, जब स्मार्टफोन ऐसे मौजूद हैं जिसमें कैमरा नहीं होता, कुछ अर्से पहले तक आते थे, अभी का मुझे पता नहीं है, जैसे वो ब्लैकबेरी का एक फ़ोन था, उसमें 8020 पता नहीं कौन सा, उसमें कैमरा नहीं होता था। वेल, क्योंकि कैमरा जब शुरू शुरू में आया था ना, बड़ा टैबू था कैमरा, कैमरा बहुत बड़ा टैबू था यार, नहीं पता नहीं कैमरे से कोई फ़ोटो ले लेगा तो क्या कर लेगा। तो इसी वजह से ना बहुत सारी दुनिया की जो मिलिट्री थी, फोर्सेस थी, उनके जो एम्प्लॉइज़ थे उनको कैमरे वाला फ़ोन अलाउ नहीं था। बहुत सारी कंपनीज़ में जो जॉब करते थे उनको कैमरे वाला फ़ोन अलाउ नहीं, तो ब्लैकबेरी ने इस चीज़ को देखते हुए ना, उन्होंने बोला यार चलो स्मार्टफोन भी हो बगैर कैमरे के हो। तो वो कुछ अरसे मैंने यूज़ किया था तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन मैं बड़ा तंग होता था उससे, यार ये क्या बकवास है यार, कैमरा ही नहीं है इसमें। क्योंकि वो दौर शुरू शुरू की बात थी, 2007 2005 6-7 की बात है, तो उस वक्त कैमरा इतना मैंडेटरी भी नहीं था। लेकिन आज के दौर में तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि कैमरे के बगैर फ़ोन कैसा होता है। वेल, तो इन्होंने बोला कि डिफाइनिंग फीचर जो है रिएक्ट का, वो क्या है, वन वे डेटा फ्लो। वन वे डेटा फ्लो का क्या मतलब है, कौन बता पाएगा, पता है किसी को? सिर्फ नए स्टूडेंट बोले, पुराने वाले को तो पता है, बता चुका हूँ। अच्छा, गूगल करो, गूगल कर सकते हो। बस ये आखिरी बात है, ये समझ के हम ख़त्म करते हैं, सही है। वन वे डेटा फ्लो को समझ के ना हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, वन वे डेटा फ्लो को समझने के लिए ना ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगी आपको। ये एक मॉडल है, दैट इज़ कॉल्ड MVC मॉडल। अब ये तो मुझे नहीं पता है किसने बनाया था, लेकिन ये जितनी भी इस वक्त प्रोग्रामिंग हो रही है ना पूरी दुनिया में, उसमें ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो शामिल होती है। अच्छा, आइडिया ये था कि मॉडल को, व्यू को और कंट्रोलर को अलग अलग रखा जाए, एक साथ ना, ठीक है, मॉडल को, व्यू को और कंट्रोलर को अलग अलग रखा जाए, ये एक साथ ना। और रिएक्ट में भी ऐसा ही होता है, ये मॉडल, व्यू, कंट्रोलर अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर ये कहूँ मैं, वैसे तो कहीं पर डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन नहीं हुआ हुआ रिएक्ट में, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रिएक्ट भी इस पैटर्न को अच्छी तरह फॉलो करता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, ठीक है। या मे बी 70-80% फॉलो करता है MVC मॉडल को। MVC मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट वाले ना इससे एकदम ऐसे लिपट के बैठे रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी फ्रेमवर्क होता है ना, उसमें लिखा होता है ये बड़ा बड़ा, भाई MVC मॉडल, ठीक है। MVC उन्होंने अपने फ्रेमवर्क का नाम ही MVC रख दिया है। MVC फ्रेमवर्क पता नहीं उन्होंने अभी को निकाला है 5, अभी तो नहीं, टाइम हो गया, 2015-16 की बात है, टाइम हो गया काफ़ी। तो वेल, तो वो इसको ना बहुत मार्केटिंग में अपने यूज़ करते हैं इस नाम को। तो आमतौर पर जब बोला जाता है ना MVC, तो माइक्रोसॉफ्ट ही जहन में आता है।
लेकिन एमवीसी असल में कुछ और है, असल में वो ये है, आइडिया ये है कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर को अलग अलग रखा जाए। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है? सबसे पहले तो व्यू जो है ना, वो चीज़ है जो यूज़र को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड व्यू। यानी HTML का जो पेज है दैट इज़ अ व्यू। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोलर और है, अच्छा मॉडल क्या है? मॉडल है डेटाबेस या वेरिएबल जहाँ पे डेटा स्टोर है, ठीक है? दोनों मॉडल हैं। वेरिएबल में डेटा टेम्प्रोरीली स्टोर होता है, डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर होता है, तो वो मॉडल के पास चले जाएंगे दोनों। बीच में एक कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर क्या करता है, जाहिर है UI स्क्रीन पे जो दिख रही है उसी से तो डेटा आप चेंज करेंगे ना। यूज़र उसमें कुछ लिखेगा, सबमिट का बटन दबाएगा, डेटाबेस में जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है? या डेटाबेस में कोई चेंज आया, कहीं और से कुछ हुआ, जैसे नोटिफिकेशन आई तो डेटाबेस में चेंज हुआ ना नोटिफिकेशन का, वो यूज़र की स्क्रीन पे दिखा। तो बीच में कंट्रोलर होता है, वो क्या कंट्रोल करता है कि यूज़र को डेटाबेस से क्या डेटा ला के दिखाना है, और यूज़र जो चेंजेस कर रहा है ना स्क्रीन पे खड़ा होके, उसको कैसे डेटाबेस में पॉपुलेट करना है, ठीक है? ये बीच में कंट्रोलर खड़ा हुआ होता है, जो ब्रेन होता है। अच्छा, हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट, वो ये तीनों चीज़ों से मिलके एक कंपोनेंट बनता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा, अब वन वे डेटा फ्लो का क्या चक्कर है? वन वे डेटा फ्लो का चक्कर ये है कि व्यू से अगर चेंज करना है ना मॉडल को, तो बीच में कंट्रोलर लाजमी होगा, ठीक है? व्यू पे कोई चीज़ मैंने चेंज की तो कंट्रोलर उसको डिसाइड चेंज करेगा मॉडल के अंदर, डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है? व्यू से डायरेक्ट डेटा बेस को चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, यह अगर डेटा बेस में कोई चेंजेस आई हैं तो वो कंट्रोलर के जरिए होते हुए स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है? तो ये जो डायग्राम है इस वक्त, ये वन वे डेटा फ्लो की ही डायग्राम है। अच्छा, एक होता था टू वे डेटा फ्लो, अभी इसने ये मजाक भी उड़ाया, उसका ट्रॉल किया कि एंगुलर JS वो टू वे डेटा फ्लो था। उसमें क्या होता था कि आप कोई चीज़ व्यू में चेंज करते थे ना, तो मॉडल में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था, और कोई चीज़ मॉडल में चेंज होती थी तो ऑटोमेटिकली व्यू में। तो व्यू और मॉडल ना आपस में टू वे कम्युनिकेट करते थे, कंट्रोलर था बीच में, लेकिन कंट्रोलर उस तरह से काम नहीं करता था, बीच में वो मतलब बाप बन के नहीं खड़ा होता था कि यार मेरे पास से हो गई। वो क्या करता था, व्यू पे आप डायरेक्ट जो भी चीज़ लिखा हुआ होता था आपने, तो वो क्या होता था, डायरेक्ट मॉडल को चेंज कर देता था, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कंट्रोलर डिसाइड करता है कि क्या होगा, जो भी चीज़ होगी ना मॉडल से व्यू की तरफ आएगा कुछ, या व्यू से मॉडल की तरफ जाएगा। तो ये वन वे डेटा फ्लो होगा, ये टू वे नहीं होगा। जैसे एंगुलर की जब शुरू मैंने शुरू किया था अपना वेब डेवलपमेंट का, तो मैंने सबसे पहला फ्रेमवर्क एंगुलर सीखा था। एंगुलर तो नहीं, jQuery थी उससे पहले, लेकिन jQuery इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क ना, तो कह सकता हूँ मैं कि पहला फ्रेमवर्क मेरा एंगुलर था। तो उससे पहले jQuery होती थी, वो लाइब्रेरी एक एक्चुअली। तो एंगुलर JS के अंदर ना ये उनका सेलिंग पॉइंट था, टू वे डेटा फ्लो उनका सेलिंग पॉइंट था। लोग बड़े खुश हुए, लोगों ने उसको लाया भी, और बाद में वही उसके फेलियर का भी सबब बना जो उसका सेलिंग पॉइंट शुरू में था, क्योंकि वो टू वे डेटा फ्लो होने की वजह से कंट्रोल करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता था। जब ज़्यादा डेटा होता था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स UI होती थी, तो कहीं चेंज करते थे कहाँ का कहाँ पहुँच जाता था वो चेंज, आप बोलते थे यार ये क्या हो रहा है, और वो स्लो डाउन करता था पूरी एप्लीकेशन को। तो उसमें होता ये था कि आपके पास अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप टाइप करते थे ना, टाइप करते साथ वो मॉडल में चेंज होता जाता था, एक एक बटन दबाने पे मॉडल में डायरेक्ट चेंज होता था। हो इसमें भी वही रहा, लेकिन बीच में कंट्रोलर खड़ा हुआ है, कंट्रोलर डिसाइड करता है कि किसको कैसे चेंज होने देना, कंट्रोलर की मर्जी के बगैर नहीं होगा। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, जो सब में बड़ी प्रॉब्लम थी ना टू वे डेटा फ्लो की, वो ये थी। इमेजिन करें आप एक सिनेरियो, व्यू के ऊपर एक बात लिखी हुई है, मैंने चेंज कर दी, वो मॉडल में भी चेंज हो गई। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि मॉडल एक व्यू के साथ तो कनेक्ट नहीं है ना, मॉडल मल्टीपल व्यूज के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, सही है? मिसाल के तौर पर दो तीन जगहों से डेटा एक ही मॉडल पे आता है, एक ही वेरिएबल पे, तो किसी और जगह से किसी ने चेंज कर दिया, तो अब मॉडल में ना दो जगह से चेंज एक साथ आ रहा है, तो मॉडल किसको एक्सेप्ट करेगा,
तो उसमें ये होता था कि जो पहले आ गया वो पहले, जो बाद में आ गया वो बाद में, ये वाला चक्कर होता था और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता था इसको हैंडल करना, ये बहुत बड़ा एक इशू था। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर व्यू पे कोई बॉक्स बना हुआ है ना, अगर व्यू पे कोई बॉक्स बना हुआ है तो उसमें जब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो डायरेक्ट मॉडल में चेंज नहीं होता, बल्कि उसके टाइप होने पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं कि यार जब इसमें कुछ टाइप किया जाए तो ये फंक्शन चलाओ, और वो फंक्शन डिसाइड करता था कि इस डेटा को कहाँ रखवाना है, कैसे रखवाना है। ठीक है, रखेगा तो मॉडल में ही, लेकिन वो फंक्शन जो है वो कंट्रोलर के अंदर होता है बीच में। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बात बता दी असली वाली बात कि वन वे डेटा फ्लो क्या होता है, लेकिन जब आप रिएक्ट के परस्पेक्टिव में ना वन वे डेटा फ्लो पढ़ेंगे जब आप, तो वो आपको ना एक ही बात बताएंगे लोग, क्योंकि ये तो है कंपैरिजन, ये तो है कंपैरिजन कि यार पहले वाले फ्रेमवर्क में कैसा होता था अभी कैसे होता है। लेकिन जो नए लोग हैं डायरेक्ट, जिन्होंने एंगुलर पता ही नहीं उनको, तो उनको वो जस्ट इतना बताते हैं कि यार एक कंपोनेंट जो होगा ना उसको सिर्फ डेटा अपने पेरेंट से मिलेगा और वो अपने चाइल्ड को देगा, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन वन वे डेटा फ्लो इज नॉट क्वाइट दैट, वन वे डेटा फ्लो वो है वो जो एंगुलर से डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये प्रोपेगेशन है, ये भी वन वे है, ये असल में दो तरह के वन वे डेटा फ्लो हैं, ये दो तरह के, ये एक की बात हो रही है ना, ये दो तरह के वन वे डेटा फ्लो हैं। एक तो वो वाला कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, कि एक रास्ता होगा व्यू से मॉडल पे जाने का और मॉडल से वापस व्यू पे आने का, एक रास्ता होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि व्यू से कंट्रोलर पे गया मॉडल पे चेंज हो गया और मॉडल से डायरेक्ट व्यू पे चेंज हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर जैसे टू वे, अगर मैं आपको टू वे की कोई एग्जांपल दिखा सकूँ ना, टू वे डेटा फ्लो एंगुलर, उसकी कोई अगर मैं आपको वो दिखा सकूँ कि तीन एंटिटीज है ना, तीनों में से हर कोई एक दूसरे को चेंज कर सकता है। चल जा भाई, क्या गूगल वालों ने कोई वो लगा दिए क्या? मैंने कहा पता नहीं गूगल की बेइज्जती पे इन्होंने कोई फिल्टर लगाया हुआ है कि इंटरनेट को स्लो कर दिया जाए। ये गूगल का फ्रेमवर्क था ना, ये होता था इसके अंदर, एंगुलर के अंदर व्यू मॉडल को चेंज करता था और मॉडल व्यू को चेंज करता था। कंट्रोलर इसमें भी था लेकिन कंट्रोलर बीच में खड़ा नहीं होता था। ठीक है, ये सब लोगों ने देखो यही डायग्राम बना के दिखाई हुई है। ये देखो वन वे और टू वे का ना कंपैरिजन यहाँ पे करके दिखाया है उन्होंने। बंद हो गई, ठीक है, होता है। ये देखो वन वे और टू वे का ना इन्होंने, ये असल में उसी जमाने का है शायद। देख रहे हो, वन वे पे इसने सैड फेस बनाया हुआ है यार, ये क्या बकवास है वन वे, टू वे पे इसने हैप्पी फेस बनाया हुआ है। ये उस जमाने की कोई है शायद आर्टिकल ना, तो बाद में यही फेस सैड हो गया था जो अभी हैप्पी नजर आ रहा है आपको इस फोटो में। तो ये आप देखिए, टू वे डेटा फ्लो में क्या होता है, मॉडल व्यू को डायरेक्ट चेंज करता है और व्यू मॉडल को डायरेक्ट चेंज कर रहा होता है, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट चेंज करते हैं। ऑन अदर एंड वन वे डेटा फ्लो में क्या होता है कि बीच में क्या होता है, एक मर्जर पॉइंट होता है, एक कंट्रोलर होता है बीच में। ठीक है, मॉडल जो है वो व्यू को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता, बीच में किसी एक पॉइंट से उसको गुजर के जाना होता है, और कोई भी डेटा को चेंज करेगा ना उसको इसी पॉइंट से गुजर के जाना है। तो वो हम बीच में क्या कर देते हैं, एक स्ट्रिंग लाइन हो जाता है वो डेटा, एक साथ हो जाता है, ऐसा नहीं होगा कि हर तरफ से दमादम डेटा आता जा रहा है। अच्छा, यही वाला मसला ना फायरबेस के डेटाबेस के अंदर भी है, यही वाला मसला जो इसके अंदर है। ठीक है, उनके जो रियल टाइम डेटाबेस है उसमें भी यही प्रॉब्लम है, टू वे डेटा फ्लो है उनमें। अच्छा, तो ये वन वे डेटा फ्लो के बारे में क्या कह रहे हैं, दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट रिएक्ट सेड अपार्ट फर्स्ट केम इन 2013। कह रहे हैं कि जब 2013 में पहली दफ़ा ये मार्केट में आया तो इसी डिफाइनिंग फीचर ने इसको क्या कर दिया, सेट अपार्ट कर दिया, मतलब बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया। दीज डेज लॉट्स ऑफ अदर लाइब्रेरीज व्यू सेवेटल एंड एंगुलर हैव बीन अडॉप्टेड वन वे डेटा फ्लो पैटर्न टू। अब एंगुलर के अंदर भी आपको ऐसा तरीका फ्राहम कर दिया गया है जिससे आप अभी भी टू वे फ्लो को छोड़ नहीं रहे, पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उन्होंने बोला चलो आपका ज़्यादा दिल कर रहा है ना वन वे का, तो उसका भी ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि आप वन वे कर लो या टू वे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में आ गया था ना रिएक्ट, तो कॉम्पिटिशन को तो कुछ करना था, तो ये वन वे डेटा फ्लो का आ गया। इन द वन वे डेटा फ्लो मॉडल डेटा इज ओनली एवर पास डाउन द ट्री,
ये एक तो मैंने बताई आपको वन वे, ये दूसरा वन वे है। ये वन वे के नाम से ना दो चीज़ है, ये दूसरी वाली डिस्कस हो रही है। कह रहा है कि डेटा इज ऑनली पास डाउन द ट्री, कह रहा है ट्री में ना नीचे की तरफ आएगा सिर्फ, पेरेंट ऊपर है, उसके दो चाइल्ड है, फिर उसके दो चाइल्ड है, फिर उसके ऐसे नीचे आएगा ऊपर से, नीचे से ऊपर वापस नहीं जाएगा। फ्रॉम अ कंपोनेंट टू हिज चिल्ड्रन कंपोनेंट, जस्ट लाइक अ वाटरफॉल, ओनली डाउन नॉट अप साइडवेज। कह रहे कि ना साइड में जाएगा ना ऊपर जाएगा, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। सही है, पानी वापस ऊपर नहीं जा सकता ना साइड में जाता, पानी को आप छोड़ेंगे सीधा नीचे, एक वन डायरेक्शन होगी। तो ये सेकंड वाले की बात हो रही है। अनलाइक सम अदर अप्रोचेज लाइक जे क्वेरी वेयर डेटा माइट हैव बीन ग्लोबली अवेलेबल, कह रहे जे क्वेरी भी एक था फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, उसमें क्या होता था, उसमें उल्टा सीन था, उसमें ग्लोबल होता था, एक वेरिएबल बन गया वो ग्लोबल है, वो पूरी एप्लीकेशन में हर जगह अवेलेबल है, उसमें होते ही ग्लोबल वेरिएबल थे। उसमें ये था ही नहीं कि यार अलग अलग कंपोनेंट होंगे, अलग अलग पार्ट जुड़ के बनेगा, वो सिंगलटन एप्लीकेशंस कहलाती थी, एक बड़ी एप्लीकेशन एक साथ, उसमें कोई छोटे पार्ट कंप्लीट पार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अच्छा, एंड कुड प्लग इन एनी वेयर ऑन द पेज, रिएक्ट इज मोर एक्सप्लिसिट एंड रिस्ट्रिक्टिव। कह रहे हैं कि रिएक्ट जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है इस मामले में, आपको ऐसा वेरिएबल बनाना अलाउ नहीं करते ये कि एक बना दिया ग्लोबल पूरी एप्लीकेशन में मिल रहा है। With React, you would pass the data into the top-level component, and that would pass it down and so on. कह रहे हैं कि React में आपको किसी भी component तक data को पहुँचाना है तो आप उसके parent को data देंगे, वो child को दे देगा खुद ही। जैसे मैंने जिक्र किया था एक page है, page is a component, one component. Page के अंदर 10-12 post हैं, तो 10-12 post एक एक component है, तो जो post में जो data दिख रहा है ना वो मैं उसके parent को दूंगा, वो अपने child को दिखा दूंगा खुद ही। अच्छा, ये हो गया। मेरा कहना है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात रहेगी। और कोशिश कीजिएगा आप लोग, ये आर्टिकल आप सबके पास आ गया है, इसको आगे तक देख लें आर्टिकल को। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी मैं इस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैंने आपको ये लिंक ना era.sysborg पे दे दिया है, तो होपफुली आप सब लोगों को लिंक मिल गया होगा। ठीक है, कहाँ गया वो लिंक यार, ये है वो लिंक, मैं इसको दोबारा से भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ से ना आप वो सारी वीडियोस ज़रा देख लीजिएगा, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अच्छा कैसे है, ताकि हम फास्ट पेस में चल सकें, हम जल्दी से रिकवर हो जाएं जो हम थोड़ा पीछे हो गए अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच।